नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जयगांव टुडे में। दोस्तों तो मैं बता दूं कि आज सुबह हम लोगों ने एक खबर प्रकाशित किया था, जयगांव के डाड़ा गांव जो हासीमारा झोरा है वहां पर एक शव जो है अज्ञात शव बरामद हुआ था। मैं बता दूं शव की शिनाख्त हो गई है, शव का जो शव है उनके परिवार का पता चल गया है। ये जो शव है गंगा पंजर भुटिया नामक एक व्यक्ति है, 51 वर्षीय एक व्यक्ति है जो पहले बताया जा रहा है जयगांव के त्रिवेणी टोल इलाके में रहते थे अपने परिवार के साथ, लेकिन वर्तमान में जो है सिलीगुड़ी के जो खपरेल इलाका है वहां पर ये अपने परिवार के साथ वहां शिफ्ट हो चुके हैं और सिलीगुड़ी में ही जो है इनका कारोबार चलता है। तो जो हमें जानकारी मिल रही है, कल सुबह 7:30 बजे ये दलसिंहपाड़ा, इनका ससुराल बताया जा रहा है दलसिंहपाड़ा है, तो ये अपने ससुराल दलसिंहपाड़ा क्षेत्र में आए हुए थे, जहाँ पर वहाँ पर जो है दिन भर जो है ये दलसिंहपाड़ा क्षेत्र में ही थे। और उन्होंने बताया था कि वो कोई मित्र है, मित्र का बर्थडे है और बर्थडे में वो जाने हेतु शाम को जो है 5 बजे वो निकले थे। और बताया जा रहा है वहाँ दलसिंहपाड़ा से ही वो ATM से 10,000 रुपया विड्रॉल करके बर्थडे में जाने हेतु निकले हुए थे। इसी बीच में यहाँ पर जो सुबह उन्हें जानकारी मिलती है परिवार को कि उनकी हत्या कर दी गई है। दोस्तों तो यहाँ जो जानकारी मैं आपको बता दूं, गंगा पेंजर भुटिया नाम है जिनका, आयु 51 वर्ष बताया जा रहा है, जिनका परिचय जो है हो चुका है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफी संख्या में उनके जान पहचान के लोग जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। आइए बात करते हैं इनके परिवार सदस्यगण से, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रह जाएगा। आएर हाम्रोमै बस्नुभयो, नानीसँग खेल्नुभयो, यताउति गर्नुभयो, सुत्नुभयो, उठ्नुभयो, भाइहरू पनि थियो, भाइहरूसँग खानासाना खानुभयो। अन्त पैसा छैन भन्नुहुँदै थियो, त्यतिखेर ATM जानुभएको थियो, ATM गएर सबैको लागि घरको 5-6 जना परिवारको लागि सबैको लागि चिकन चिकन ल्याउनुभयो। हाँसी खुसी सबै साथीहरूसँग बसेर, मतलब काकाहरूसँग, हाम्रो काकाहरू थियो, बडाहरूसँग बसेर खानासाना खानुभएको, नानीहरूसँग खेल्यो अर्यो सुत्यो उठ्यो। त्यसको बादमा म लास्टमा चाहिँ 5:30 बजी चाहिँ रेडी हुनुभयो। त्यतिखेर चाहिँ म, मेरो काका जो खस्नुभयो ऊ काका दलसिंह चौपतीमा आयो, त्यहाँ पैसा निकालेको थियो, त्यहाँ आएर हामी बात गऱ्यौँ। मैले सोधेँ काका कहिले फर्किनुहुने भन्दाखेरि चाहिँ काकाले भन्नुभयो म सन्डे फर्किन्छु, मेरो साथीको बर्थडे छ, बर्थडे नसकि फर्किँदिन, मेरो साथीको बर्थडे खतम गरेर बेलुकै म फर्किन्छु घर भन्नुभयो। त्यति नै लास्ट बात भएको, हजुर बर्थडे मनाउँछु, साथीको बर्थडे मनाएर चाहिँ बेलुका चाहिँ फर्किन्छु घर भन्नुभएको थियो, तर काका फर्किनु भएन। बर्थडे चाहिँ कसको हो के हो केही थाहा छैन। त्यति नै, हामी चर्चले, हजुर मेरो निका मङ्गल। नमस्कार, विशेष गरेर आज म बिहान म कहीँ बसिरहेको थिएँ, अचानक मलाई एक हाम्रो भानिज हरिकुमार लामा भानिजले फोन गर्नुभयो, के अरे आशा तपाईँले सुन्नुभयो यस्तो यस्तो भएछ, हाम्रो गङ्गा भाइ सिलगढीको गङ्गा भाइको मर्डर भएछ भन्ने कुरो अचानक सुन्नुमा आयो। र म दौडेर आएँ र यहाँनिर थानामा आउँदाखेरि थानामा मैले यहाँ एम्बुलेन्स आएर चाहिँ एम्बुलेन्समा हेर्दाखेरि मैले मुख खोल्नु लगाउँदा मुखमा हेर्दाखेरि अनुहार हेर्दाखेरि गङ्गा भाइ नै हो र गङ्गा भाइहरू छ। त्यसको बादमा हामीले उहाँको परिवारलाई अलरेडी खबर गरिसकेको रहेछ र उहाँको परिवारहरू आउनुहुँदैछ, अहिले पोस्टमार्टमको लागि कागजपत्र बनिँदैछ, यहाँनिर FIR लेखिँदैछ र जति पनि यहाँनिर जति पनि जयगाउँमा उसको साथीहरू छ, उसको परिवारहरू छ, सबैजना आएर यहाँनिर हामी भेला भइरहेको छौँ। अब यहाँनिर उहाँ तपाईँको अलिपुर लाने, पोस्टमार्टममा लाने बन्दोबस्त गर्दैछ। उहाँनिर चाहिँ उहाँ चाहिँ अब एक्चुअलमा सिलगढीमा बस्नुहुन्छ, यहाँनिर उहाँ एकजना सोनु छेत्री के नाम छ त्यो दिदीको मलाई थाहा छैन, उहाँको छोराले भन्नुहुँदै उहाँको छोराको चाहिँ बर्थडे थियो अरे, त्यो बर्थडे एटेन्ड गर्नुको लागि भनेर चाहिँ हिजो आएको थियो, छोराको बर्थडे चाहिँ आज थियो भनेर चाहिँ त्यो साहब भाइले भन्दै थियो, तर बर्थडे पनि एटेन्ड गर्नु पाएन, अचानक उहाँको मर्डर भएछ। अब यसको लागि पुलिसले आफ्नो छानबिन सुरु गरिरहेको छ र आज केही न केही खबर हामीलाई लाग्दैछ, जहाँसम्म लाग्छ यो खबर केही पाएर चाहिँ दोषीलाई चाहिँ यहाँनिर अवश्य नै पक्राउ भन्दैछ दोषीको।